बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनुमान और आप देख रहे हैं ब्राइट इन्फो। ब्राइट इन्फो में आपको खुश आमदीद। ये वीडियो, जैसा कि इसके टाइटल से ज़ाहिर है, कि पीएमए 145 लॉन्ग कोर्स के एकेडमिक टेस्ट के प्रिपरेशन के हवाले से है। तो इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पीएमए 142 और 143 लॉन्ग कोर्स में बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछे जा चुके हैं, और ये क्वेश्चंस कैंडिडेट की तरफ से शेयर किए गए हैं। इनमें गलती कोताही हो सकती है, मीन्स कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड भी होंगे। आपने उनके आंसर ढूंढने हैं, आपके उनके आंसर मीन्स बाद में बता दीजिएगा, एक एक करके आंसर कर दिया जाएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी क्यूरीज होंगे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो चलिए बाकायदा उन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारे पास पहला सेट है पीएमए लॉन्ग कोर्स 142 हैदराबाद सेंटर से, इससे किस कैंडिडेट ने शेयर किया हुआ है, इसके क्वेश्चन है मीन्स बदर मीन फुल मून। जैसे कि आपने पहले भी हमने बहुत से एकेडमिक क्वेश्चन देखे हैं, बदर का मीन फुल मून का बदर का मीनिंग आ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कब किया, एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, मीन्स 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान किया। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन को कौन लीड कर रहा था, इसको ये कन्फ्यूजिंग करने वाला, लाहौर रेजोल्यूशन और उस इजलास को, रेजोल्यूशन पेश की थी मौलवी अब्दुल फजलुल हक ने, इजलास को कायदे आज़म लीड कर रहे थे लेकिन रेजोल्यूशन पेश की थी मौलवी ए के फजलुल हक ने। उसके बाद कांग्रेस किसने फाउंड की, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ ऑफ टीपू सुल्तान, नवंबर 20, 1750। उसके बाद है फर्स्ट न्यू एजुकेशन सिस्टम इज कॉल्ड पेडिया, जैसे विकीपीडिया से है ना, तो विकीपीडिया से मेरा वर्ड है पेडिया। मीनिंग ऑफ इंसार, इधर हेल्पर उसने लिखा हो लेकिन कंपेनियंस हेल्पर्स, वैसे कंपेनियन है मोस्टली जो यूज़ होता है वो कंपेनियन इंसार का मीन्स कंपेनियन के तौर पर यूज़ होता है। नेक्स्ट, जैसा कि हमने उस दिन किया था क्वेश्चन ये वाला 90% ऑफ 90, ये हमने इंटेलिजेंस टेस्ट की मीन वर्बल टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत दफ़ा किया था, 90% ऑफ 90 81, ये तो हमने काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं ये क्वेश्चन मीन 90% का 90 किस तरह आता है 81, ये हम कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सफ़ा मीन्स हिल टॉप्स, पहाड़ों की चोटियाँ, सफ़ा के मीन्स हिल टॉप्स, पहाड़ों की चोटियाँ। जामे कुरान किन्हें कहा जाता है, हज़रत उस्मान इसका आंसर होगा, हज़रत उस्मान को जामे कुरान कहा जाता है। नेक्स्ट है क़लीमुल्लाह टाइटल ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क़लीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लकब था। कॉकलैंड कंट्री, ये उस कैंडिडेट से मिस्टेक हो गया, लॉकलैंड कंट्री होगा, तो लॉकलैंड कंट्री कौन सी, ऐसे अफगानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान, ये कंट्रीज हैं जिनको कोई भी समंदर नहीं लगता, तो ये कंट्री लैंड लॉक कंट्री हो जाएंगी। उससे गलती हो गई, जो इस कैंडिडेट में शेयर किया ये क्वेश्चन उससे गलती हो गई है। नीचे इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ज़ाहिर वैसे इंतास माहदा वर्ल्ड बैंक के तावन से जो हुआ था 1960 में, तो वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। बैतुल मक़दस अदर नेम मस्जिद अक्सा, ये मस्जिद अक्सा का दूसरा नाम, बैतुल मक़दस किसे कहा जाता है, मस्जिद अक्सा को, ये उसका होगा। इको ओल्ड नेम RCD, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग। शेख अहमद हिंद वाज बॉर्न, ये क्वेश्चन शेयर किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 17 जो शेयर किया हुआ, अपोजिट इन UNO विद पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान जॉइंड UNA, अपोजिट इन UNO विद पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान जॉइंड UNO। नेक्स्ट क्वेश्चन जो शेयर किया गया हमारे साथ, पीस नोबल प्राइज़ 2015, टंसानियन नेशनल डायलॉग क्वार्टेट, नेटो हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम। नंबर 12, लिटिल मीनिंग ऑफ अल्लाह, इल्लाह और अल्लाह। नेक्स्ट है मंगला डैम लोकेटेड इन रिवर जेहलम फैसलाबाद सेंटर, ये वाला हमारा चेक करें कि इसका डाउट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इनिशियल एकेडमिक 17 मई 2018 PMA 142 लॉन्ग कोर्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट एम ऑफ मुस्लिम लीग का पहला मकसद लॉयल्टी टू ब्रिटिश, ये भी गलत उसने आंसर लिखा हुआ इस कैंडिडेट ने, ये लॉयल्टी टू ब्रिटिश नहीं था, ठीक है ना। लॉयल्टी टू ब्रिटिश उसकी मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़ के लिए मुस्लिम लीग कायम किए, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों के हकूक़ के उस तरह तहफ़ नहीं कर रही थी, ये इस कैंडिडेट का आंसर गलत लिखा हुआ है। वैन वाज मक्का कन्क्वेट 8 हिजरी,
सर सैयद अहमद ख़ान डेट ऑफ बर्थ 1817 अनसार मीन्स कंपेनियंस मीन्स जैसे कि पहले लिखा था वो रिपीट हो रहा है जैसे कंपेनियंस। अब सुफ़ा इज़ द नेम ऑफ, अगर आप चेक करें कि उधर सुफ़ा का मतलब क्या था, सुफ़ा इज़ द नेम ऑफ पहाड़ का नाम है सुफ़ा, तो हेली टॉप्स अगर कह लें चोटियों को कह लें, लेकिन अगर पहाड़ को कह लें अगर आपको कहा जाए पहाड़ का ऑप्शन है उधर कह लें, मीन ये सफ़ा चेंज हो कहेंगे लेकिन सेम टू सेम उसी तरह कहेंगे। नंबर सिक्स है क्लीमुल्ला वाज टाइटल ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सन 180-X, ये मैथ वाले चेक कर लीजिएगा उसका कौन समझाने का। छोरा छोरी इंसिडेंट्स, छोरा छोरी इंसिडेंट 1922 में हुआ था। वो जस्ट द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का झंडा किसने प्रपोज किया था, चौधरी रहमत अली शायद, सॉरी। उसके बाद 10 है 2+2/2, तो डी में ऐसे रूल के मुताबिक किसने पहले डिवाइड होगा फिर उसके बाद प्लस होगा, तो 3 आंसर इस तरह बना है। सूरा अबाउट आर्ट्स, सूरा नमल में चूंटियों के बारे में सूरा नमल हो गई। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लड़े गए जंग आज़ादी। हाउ मैनी सन्स ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, 2 आंसर है कन्फर्म, ये चेक कर लीजिएगा आप। इंडिया डिड एटॉमिक एक्सप्लोजन इन, इसका वो शहर वगैरह चेक कीजिएगा आप। फाउंडर ऑफ मुस्लिम रीनेंसिस इन, सॉरी वर्ड का थोड़ा मिस्टेक हो गया, इन सब कॉन्टिनेंट इंडिया, सर सैयद अहमद ख़ान। माउंट ओलेमिया वेयर, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द राइजिंग ऑफ द सन, जापान को कहते हैं, मीन्स चढ़ते सूरज की सर्ज मीन जापान। उसके बाद है दिबिया इज़ द नेम ऑफ, रबल इज़ द करेंसी ऑफ, ये उसमें इन्होंने लिखा बस यही याद है उसके, वर्बल नॉन वर्बल के मेरी कोई प्रोफेशन नहीं थी, ये छोड़ दें उसको, नेक्स्ट चलते हैं हम। रूह अल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आगे मंगला डैम इज़ ऑन विच रिवर, मंगला डैम किस दरिया पर है, झेलम। बिगेस्ट ये चेक करें, ये तीसरा बंदा है जिसके टेस्ट आ रहा है आपके पास, तो रिपीट हो रहे हैं। रूह अल्लाह मंगला डैम बिग ग्रेट कंट्री, बिगेस्ट कंट्री एरिया वाइज, कैपिटल ऑफ मंगोलिया। अली वाज बॉर्न 18 February 1987, कौन अली, इसका कोई मीन्स आइडिया नहीं है मोहम्मद कि कौन पैदा हुआ था 1987, इसका इस क्लियर नहीं बताया हुआ। नंबर ऑफ पाकिस्तान इन पॉपुलेशन वाइज 6, ओल्ड नेम ऑफ इको आर्ट सिटी, ये पहले भी रिपीट हुआ फिर रिपीट हो रहा है, हर दफ़ा एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ OIC वाज हेल्ड इन लाहौर, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस दूसरी लाहौर में हुई थी। OIC इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बिसाइड ह्यूमन रिसोर्स विच कैन बी हेल्पफुल, विच कैन बी हेल्पफुल फॉर प्रोग्रेस, मीन ह्यूमन रिसोर्स की कौन सा प्रोग्रेस के लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, सिविल डिसओबीडियंस ऑफ कांग्रेस वॉज एंडेड आफ्टर ब्रिटिश कांग्रेस टॉक, नेक्स्ट 2+2/2/3, ये फिर से रिपीट हो रहा है। मस्जिद नबी वॉज बिल्ट इन विच सिटी, मदीना, मस्जिद नबी बनाई गई। हिजरत मदीना इन विच नबी, 13 नबी हिजरत मदीना है। विच एंगल कन्वेड द, विच एंजल कन्वेड द मैसेज ऑफ अल्लाह टू हिज प्रॉफेट जिब्राइल अलैहिस्सलाम, शिमला कॉन्फ्रेंस डिप्यूटेशन कब हुई, मीन शिमला कामलस कब हुई, 1907 लगाया लेकिन 1905। नेक्स्ट एज ऑफ द होली प्रॉफेट एट द बैटल ऑफ फुजर 1520 का पोजिशन ऑप्शन नहीं था। वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच ईयर 1957 में लड़े गए थे, इसके दोनों गलत हैं। तो ओलंपिया इज़ द नेम ऑफ विच कंट्री, ग्रीक लगाया, इसको कन्फर्म नहीं है, आप क्वेश्चन चेक करें बस। गज़वे तबूक वाज अगेंस्ट रोमन्स, इंटेग्रल ऑफ 10 ऑफ 1x, कॉट -1x लगाया, इंटेग्रल उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका साल्टी सी, डेड सी, ग्रेट नेम ऑफ एसोसिएटेड विद सेंट्रल एशिया, ग्रेट गेम इज एसोसिएटेड विद सेंट्रल एशिया, लेकिन कौन सी गेम है ये वो शायद भूल गया कैंडिडेट। विक्टोरियन डेजर्ट इन विच कंट्री, रशिया लगाया, लेकिन ये चेक करिए आप, ये क्वेश्चन है आपने चेक करने हैं लाजमी, किस किस जगह पे आ रहे हैं, किधर किधर लग रहे हैं। तो फर्स्ट 6 वर्सेस ऑफ होली क्रॉन वाज रिवील्ड ऑन होली प्रॉफेट इन विच केव, गारे हिरा में आई थी। प्रेपोजिशन जो आपको बताई गई है, प्रेपोजिशन को कैसे हल करना, छोटी छोटी बनी इसराइल वार ज्यूज यहूदी थे, मिसा के मदीना वाज बिटवीन मुस्लिम एंड ज्यूज, मुसलमान और यहूदियों के दरमियान था, मिस रिजल्ट, ये कैंडिडेट पास हो गया था, उसने भी कहा यही लगाया था मैंने, यही याद है। ओल्ड नेम ऑफ मदीना यसरब, लीग ऑफ नेशन कब बनी, लीग ऑफ नेशन 1920 को, डॉग कॉन्टीनेंट अफ्रीका, स्मॉलेस्ट कॉन्टीनेंट ऑस्ट्रेलिया,
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट उसके क्वेश्चन कौन सा है ये चेक करते हैं। नेक्स्ट फिर से कलीमुल्ला हज़रत मूसा, राइजिंग सन जापान, फतेह मक्का 8 हिजरी, लीप ईयर आफ्टर हाउ मैनी ईयर 4 साल, 31 के कितने महीने होते हैं 7, इसराइल किसका इलाका था हज़रत यकूब। ये जो आपने पिछले क्वेश्चन पिछले दो वीडियो सेंड किए हैं ना मीन इनके रिलेटेड और आज वाली में, अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर ध्यान से अगर इनको तैयार कर लें आप, लें क्वेश्चन को समझ लें तो बहुत आसानी होगी आपके लिए। हज़रत इसराइल किसका लकब था हज़रत यकूब अलैहि सलाम का। जंग उहद में मुसलमानों की तादाद 700, बिगेस्ट कंट्री भाई। हाँ ये देखो जंग उहद में गए 1000 थे लेकिन अब्दुल्ला बिन अबी वापस आ गया था अपने 300 साथियों के साथ, तो 700 तादाद थी। बिगेस्ट कंट्री बाई एरिया रशिया। नजाशी क्या था यानी क्रिश्चियन जू इस टाइप का क्वेश्चन, नजाशी क्रिश्चियन था और किंग था। हाउ मैनी हफाज गॉड मेट्रेड इन मार्टर इन जंग यमामा, कितने हफाज शहीद हुए थे। उसके बाद कैपिटल पूछा गया पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ, अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन विच लैंग्वेज वॉर नेशनल, दो लैंग्वेज हमारी कौमी जबानें थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ड फर्स्ट वेयर पहली मस्जिद उसने कहा होगा शायद, लेकिन ये कैंडिडेट भूल गया। रूअल इज़ द टाइटल ऑफ, ये फिर से रिपीट हो रहा है। 2015 नोबल प्राइज़ अवार्डेड टू होम, किसको दिया गया था। मलाला गॉट नोबल प्राइज़ इन विच ईयर, मलाला का। नेहरू रिपोर्टेड प्रोसीडेड बाय ऑपोजिशन और टॉलरेंट, लॉयल्टी टू कांग्रेस वाज एम टू विच लीग, लॉयल्टी टू कांग्रेस वाज एम टू विच लीग, ये अलहदा को लीग है। जंग इमामा वाज फॉट इन दी विच रिजिम। तो आप लोग अगर ज़रा सा गौर करें इनके अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं हम इनके, अगर हमने ये एकेडमिक क्वेश्चन थोड़े से इस्लामिया तो हमने वो जनरल नॉलेज का बेहतरीन कर दिया ना अपना। अब सोचो जो नहीं आता उसमें ज़्यादा सर खप जाए, जो आते हैं थोड़ा बहुत आता है उसमें ज़्यादा बेस्ट कर जाओ, जो नहीं आता उसको तैयार करो। लेकिन अगर वो फिर भी बोल रहे हैं तो ज़्यादा उस पर करो जिसके उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियोज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट और शेयर कर दिए अगर आपको अच्छी लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।